बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये अंडा ब्रेड की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाजारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजिली, परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे एक कटोरी और कटोरी में हम तो दोस्तों तोड़ेंगे दो अंडे। आपने इस तरीके से दो अंडों को एक कटोरी में तोड़ कर डाल देना है। तो उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून हरा मिर्च और नमक आपने हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। तकरीबन दो चुटकी हम इसमें नमक डाल देंगे और हसबे ज़रूरत हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर। तो प्यारे दोस्तों आपने फिर इसको अच्छे से इस तरीके से फेंट लेना है। आपने इसको अच्छे से फेंटना है ताकि मिर्च मसाला इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए। तो लोई मेरे प्यारे दोस्तों अब डाल लेते हैं इसको खुले बर्तन में। आपने इसको इस तरीके से एक खुली प्लेट में डाल लेना है। हमने लिए हैं दोस्तों चार ब्रेड के पीस, तो आपने ब्रेड का पीस इसके अंदर अच्छे से इस तरीके से डिप कर लेना है। दोनों साइडों से आपने इसको बहुत अच्छे से डिप कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों हम चारों ब्रेड के पीसों को अच्छे से अंडे के अंदर डिप कर लेंगे। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से चारों पीस हमने अच्छे से डिप कर लिए हैं। अब लेते हैं दोस्तों एक पैन और पैन में हम दोस्तों लगाएंगे सबसे पहले घी। आपने इस तरीके से घी को लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हम ब्रेड के पीस को इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और दोनों साइडों से दोस्तों हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे। आपने इसको दोनों साइडों से अच्छे से दबा दबा कर आपने इसको फ्राई करना है ताकि जो इसके अंदर अंडा जज्ब हो गया वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो दोस्तों माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से दोस्तों देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। आपने दोनों साइडों से इसी तरीके से इसको बना लेना है। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों अब इसकी कटिंग करते हैं। आपने छुरी की मदद से दोस्तों इसके चार पीस कर लेने हैं इस तरीके से। आपने इसको सेंटर से काट लेना है। प्यारे दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। बच्चों को आप ये लंच में भी दे सकते हैं। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों अब इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें दोस्तों हमारी अंडा ब्रेड की रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये अंडा ब्रेड की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये अंडा ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।